आगे 56वें सूत्र के अंदर इसी वस्तु को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, गौणी त्रिधा गुण भेदा दार्तादि भेदाद्वा। 56वें सूत्र के अंदर गौणी भक्ति के भेदों का वर्णन कर रहे हैं और क्या कहा, गौणी त्रिधा गुण भेदा दार्तादि भेदाद्वा। यहां कह रहे हैं कि अभी तक जो भक्ति का वर्णन किया वो भक्ति कौन सी है, तो कहते हैं निर्गुणा और अहेतुका भक्ति। और अब जो भक्ति की बात कर रहे हैं वो भक्ति कौन सी, बोले गौणी, गौण भक्ति। और कहते हैं गौण भक्ति के तीन भेद हैं और उसमें आर्तादि भेद भी हैं। और कहते हैं वो तीन भेद कौन कौन से हैं, तो कहा सात्विक भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति। और अलग अर्थादि भेद कौन से, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त और अर्थार्थी भक्त। अब देखो सब लोग भक्ति करते हैं ना और सब लोग अपने आप को भक्त मानते हैं, तो कहते हैं ना कि वो अहेतु की भक्ति तो चिंतनीय है, वहां तक तो कोई विरले हो वही पहुंच सकते हैं। पर ये तीनों में से भक्ति सबकी कौन सी, सबसे पहले कहा कि तामसी भक्ति, राजसी भक्ति और सात्विक की भक्ति, ये तीन प्रकार बताए। उसमें से कहते हैं कि तामसी भक्ति कौन सी, राजस कौन सी और सात्विक की कौन सी, तो कहा कि जो भक्ति अपने पाप नाश करने के लिए सब कर्म फल का त्याग प्रभु के चरणों में हो जाए, उस अवस्था तक पूजन अर्चन इत्यादि सब क्रम करता है, उसको कहते हैं सात्विक की भक्ति। दूसरा है राजसी, और कहते हैं कि राजसी भक्ति यानी क्या, बोले भक्ति करके भी मेरी इच्छाएं पूरी हों, मेरा ऐश्वर्य बढ़े, मुझे यश मिले, ये कामना से जो भक्ति की जाए उसको कहते हैं राजसी भक्ति। तीसरा कि जो भक्ति होती है जिसके अंदर हिंसा दंभ मत्सरता ये तामसता, इसका मतलब क्या कि बोले उसने ये किया तो मैं भी ये करके दिखा दूं, उसने इतना बड़ा किया तो उससे बड़ा मैं कार्य करूंगा, ये दिखावे के लिए जब भक्ति होती है तो उसको कहते हैं कि अपने आप को सुपीरियर साबित करने का जिस समय भाव होता है उसको कहते हैं तामसी भक्ति। बोले उसने इतना किया तो मैं इतना करूंगा, उसने इतना उत्सव किया उससे बड़ा करके मैं दिखाऊंगा, बोले सबसे श्रेष्ठ अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा, ये भाव मन में आ जावे तो वो भक्ति का प्रकार तामसी भक्ति हो जाता है। और तीन प्रकार के जो और भेद बताए ना, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्त भाव जिसके मन में हो वो भी भक्त है, जिज्ञासु को जानने की इच्छा वाला, और अर्थार्थी, अर्थार्थी यानी प्रभु के सन्मुख जाऊंगा तो मेरी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी, प्रभु के पास जाके कुछ मांग के आऊंगा, उसको कहते अर्थार्थी। तो ये तीनों प्रकार के भेद यहाँ गौणी भक्ति के अपन को दिखाए।